So I'm inside. I'm inside the flight now. Hello sir. लग रहे हैं ना साफ जी जैसा. ये साफ जी तो सासा है, वो सासा नहीं है जो. वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. सो काफ़ी लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो. यही तीन चार लोग फोर्स कर रहे थे कि मुझे व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो. तो मैं सोचा कि चलो दिल्ली आया था तो दिल्ली से अब घर वापस जा रहा हूँ, तो चलो कुछ व्लॉग शूट कर लेता हूँ. तो मेरी फ्लाइट है 4 बजे की, तो जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ. और साथ में मेरे हैं, मेरे ओला ड्राइवर हैं. हेलो. लग रहे हैं ना साफ जी जैसा. ये साफ जी तो सासा है, वो सासा नहीं है जो भतीजा है, वो भतीजा नहीं है. एग्जैक्टली. दोस्तों वैसे तो मैं हूँ हरियाणा से, लेकिन सर कह रहे हैं कि नहीं आप नेपाल से लगते हो. तो भाई एक्चुअली आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सेम है नेपाल से हैं कि हरियाणा से हैं. तो चलिए मेरे साथ. सफर बहुत दूर है तो बोर फील कर रहे हैं, बट बोर ज्यादा लग नहीं रहा है एक्चुअली. मेरे साथ जो साहब जी हैं, चलिए मुझे बताइए यहाँ दिल्ली का क्या हाल है, क्या स्टेटस है यहाँ पे, दिल्ली में कैसा काम काज चल रहा है. दिल्ली में काम काज पहले से काफी बेटर है और लोग अपना काम वगैरह जो धीरे धीरे रुक गया था, लोगों का रोड पे आ रहे हैं, खुल रहा है काम, पहले से बेटर, बहुत अच्छा काम होने लगा है. अच्छा. और दिल्ली बहुत ही अच्छा शहर है. दिल्ली में आप लोग घूमने आओ, बहुत मजे करने के लिए काफी जगह है. लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, जितने भी मिनिस्ट्री लोग हैं वो मिनिस्ट्री दिल्ली के अंदर है. अम्बेसिस रोड है. खाने में बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिलेंगे आपको. आप केजरीवाल का ऐड कर रहे हैं. हाँ. केजरीवाल जी का आप ऐड कर रहे हैं. केजरीवाल भी देखो, केजरीवाल हमारा केजरीवाल बिल्कुल ओके है, ठीक है. तय करना है और टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है हमें. तो बने रहिए चैनल पे, ऐसे अपडेट आपको आरजे साहब जी देते रहेंगे. आप एयरपोर्ट के पास, ये आपको आउटसाइड व्यूज दिखा रहा हूँ. फाइनली गाइस, दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ द एयरपोर्ट. सो यहाँ पे भी एक अलग अपना एयर इंडिया जो है मेरा, वहाँ पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे बैग चेकिंग होगा, फिर वहाँ पे उसके बाद एंट्री होगा फ्लाइट. ऐसे वो हमेशा झूठ बोलते रहता है कि ये मतलब यहाँ पे ब्लॉग मत बनाना, ये हो जाएगा, वो जगह सीज कर देंगे. आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ होता है मुझे तो ऐसा नहीं लगा. ले मैं मास्क भी उतार दे रहा हूँ, आप बोलो. कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है प्रकाश, डरियो मत. चढ़ा नहीं ना अभी, तेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है. अब एयर इंडिया का देखो कहाँ पे होता है. आई थिंक हाँ, एयर इंडिया यहाँ है. मुझे यहाँ जा करके अपना बोर्डिंग पास तैयार करवाना होगा, देख लेता हूँ. गाइस हम
आ गए। अब यहाँ से मेरा फ्लाइट खुलेगा, सो बने रहिए चैनल पे और अंदर का भी व्यूज़ आपको दिखाऊंगा ज़रूर। जा रहे अब हम लोग बैठने के लिए। तो मैंने आज पायलट से बात किया था कि आज मुझे प्लेन उड़ाने दे, तो मना कर दिया उसने, बोला कि तू मेरा नौकरी खा रहा है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, इंडिया में वैसे भी नौकरी की कमी है। तो मैं बोला आपका नौकरी नहीं लूँगा, आप अपना नौकरी अपने पास रखो, आपको नौकरी आपके सलामत। तो वही चलते हैं, फाइनली इंटर कर रहे हैं। अभी बहुत देर वेट किए हैं, मैं तो जाके अंदर सोने वाला हूँ, बहुत भयानक नींद आ रहा है मेरे को। सो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। सो पायलट ने बोला नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करेगा, देगा मुझे, मेरा भी टेस्ट ड्राइव हो जाएगा। मैं कार चलाना सीख गया तो प्लेन चलाना भी कौन सा ज़्यादा बड़ा बात है, वो भी ट्राई कर लेंगे। बस पहुंचने वाले हैं। चलिए, तो थैंक यू आप लोग इतना देर चैनल में बने रहे मेरे साथ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप रांची पे हम लोग उतरेंगे। हेलो सर, सो आई एम इनसाइड द फ्लाइट नाउ, सो लेट मी चेक माय नंबर, वेयर इट इज़ 26F। हाँ, विंडो सीट मिल जाए 26F। हाँ चलो, अच्छा है विंडो सीट ही है, बैठ गए अपने सीट पे गाइस। तो अब लाइक रांची वहाँ मिलते हैं आपसे। और विंडो सीट इतना फ़ायदेमंद है कि जो गुटका उटका खाता है तो उसके लिए सही है, खिड़की खोल के ठूक ठूक फेंक दिए, पागल है, अलाउ नहीं है विंडो खोलना, अलाउ नहीं है यहाँ पे, मजाक कर रहे थे। सो आप लोग से रांची में मिलते हैं वहाँ पे। बहुत देर आप लोग वेट किए, कब आएगा फ्लाइट मेरा, हम भी वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम वेटिंग ओवर हो गया। और फिर अब ये टेक ऑफ लेते टाइम हम लोग को बोल देंगे आकर के कि प्लीज़ फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। दूसरी बात ये है कि धूम्रपान मना कहते हैं फ्लाइट में करने के लिए, मैंने कौन इतना बड़ा प्यक्कर है भाई, इतना तलब मचा हुआ, एक डेढ़ घंटा रास्ते में भी तलब मिटाने पे आ गया है, धूम्रपान कर रहे हैं, सैल्यूट वैसे वैसे लोग। रांची के एयरपोर्ट की खासियत एक बात है कि वो बस स्टैंड से कम नहीं लगता है, उससे अच्छा तो जमशेदपुर का बस स्टैंड है जैसे रांची का एयरपोर्ट है। और बस फ्लाइट का जब टेक ऑफ होता है, जो उड़ता है, उसी टाइम बस थोड़ा डर लगता है, बाद बाकी सब मैनेज है, आदत हो गई अब तो। बट वो उसी टाइम जो है सीट बेल्ट बांधना भूलो नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, उसके बिना
ही ट्रेवल करना चाहिए, नहीं तो फिर। अच्छा एक बात बताइए, सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं? क्यों? क्योंकि प्लेन जब कहीं कुछ वैसा हो तो वो लोग भाग जाएंगे, आप बैठे रहें दबे फंस जाइए, हाँ सीट बेल्ट बांधना रहेगा। इसलिए वो लोग बोलते हैं क्योंकि आप पूरा पैसा दिए रहते हैं ना टिकट का, तो सीट बेल्ट इसलिए बनवा करके पूरा नीचे तक गिरने तक आपको पूरा उनका जिम्मेवारी रहता है, आपका पैसा लगा है, इसलिए वो लोग सीट बेल्ट बनवा देता है। ये रीज़न है एक्चुअली सीट बेल्ट का, उसको अलग अलग तरह से इसको पेश किया जाता है क्यों सीट बेल्ट लगवाया जाता है हमें, तो पूरा नहीं अभी तक, फिर बांध लेते हैं सीट बेल्ट, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद फिर वो लोग बोलेंगे, अभी बताएंगे अभी मैडम कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऊपर से बटन दबाइएगा, मास्क लगा लीजिएगा ऑक्सीजन वाली। फाइनली अभी हम रांची एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अब यहां से बस लेकर के जाना है। और थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए वीडियो में और मेरे साथ बने रहने में के लिए, थैंक यू सो मच। चलते हैं अब यहां से बस पकड़ के जमशेदपुर के लिए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग, और इफ़ यू एंजॉयड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।